हाय दोस्तों, आज हम सिंपल पेस के बारे में बात करेंगे कि वो बहुत मिस होती है मैच में, और ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं कि सिंपल मिस मिस होती है। हाँ तो बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सिंपल पेस मिस क्यों हो जाती है, हमारे सिंपल पेस मिस हो रहे हैं, सिंपल पेस मिस हो रही है, लास्ट टाइम में सिंपल पेस मिस हो जाती है। तो ऐसे सिंपल पेस के बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं, और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सिंपल पेस मिस हो रही है। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ जिनका मानना ये है कि हमें सिंपल पेस की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हम जानते हैं, तो इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं करके हमें अपना प्रैक्टिस टफ कॉइन्स पे करना चाहिए। टफ कॉइन्स पे हमें टाइम देना चाहिए और सिंपल पेस को हमें कम टाइम देना चाहिए, या फिर उसकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मुझे उनका कहना गलत नहीं लग रहा है, लेकिन आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि सिंपल पेस की प्रैक्टिस, आधे टाइम सिंपल पेस की प्रैक्टिस करें। आप जितना भी टाइम प्रैक्टिस करते हैं, आधे टाइम सिंपल पेस की प्रैक्टिस करें और आधे वक्त में आप जो भी शॉट्स हैं वो खेलें, क्योंकि बहुत सारे मैचेस में ऐसा हम देखे हैं या फिर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि सिंपल पेस ही मिस होती है, जिसकी वजह से हम मैच हारते हैं, गेम हारते हैं, ना कि कोई शॉट्स मिस कर दिए इसकी वजह से गेम हार गया। नहीं, सिंपल पेस की वजह से ही हम गेम हारते हैं, मैच हारते हैं। तो सिंपल पेस बहुत ज़रूरी है, और उसकी प्रैक्टिस कैसे करें ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि सिंपल पेस हम कैसे उसको 100% श्योर करें। तो जहाँ तक 100% श्योर करने की बात है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। तो सिंपल पेस जो मिस होती है, आप उसे भूल जाएं कि वो मिस होती है, आप याद करें, आप सोचें, जब भी सिंपल पेस मिस होती है तो आप सोचें कि ऐसा इस प्लेयर ने भी मिस किया था, ऐसा इसने भी मिस किया था, तो हम तो अभी सीख रहे हैं, तो हमसे भी मिस हो सकता है। तो इससे आपको अच्छा लगेगा और ये खुद को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सिंपल पेस बड़े बड़े प्लेयर्स भी मिस करते हैं, उनका टाइम पे सिंपल पेस नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो मैच हार जाते हैं, गेम हार जाते हैं, और उसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा भी लगता है कि ये ऐन वक्त में गया नहीं। तो आप ये सोच के चलें कि सिंपल पेस नहीं भी गई तो भी चलेगा, क्योंकि सिंपल पेस सबसे मिस होती है। और अगर आप सिंपल पेस मारते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप एक बड़े प्लेयर को नहीं हरा सकते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर होता है, जिसकी वजह से हम जो प्रैक्टिस में खेलते हैं वो मैच में नहीं खेल पाते। अगर एक तरह से देखें तो हम प्रैक्टिस अगर उसी प्लेयर्स के साथ करें जिसके साथ हमें मैच में खेलना है, तो हमें प्रैक्टिस में उतना डर नहीं लगेगा जितना कि मैच में लगता है, क्योंकि मैच में हम सोचते हैं कि हमें जीतना है, अच्छा खेलना है, लेकिन प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं होती है। प्रैक्टिस में हम बस प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं, उस टाइम प्रेशर नहीं होता है कि हमें जीतना है, हम हार गए तो मैच से आउट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैच की वजह से होती है, हारने की वजह से होती है। तो ये जो हमारा हमारी जो सोच है, उससे हमारे गेम पे असर होता है, जिसकी वजह से हम खराब खेलते हैं या फिर खेल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारे माइंड में ये चल रहा है कि हमारे सामने अच्छा प्लेयर है या फिर हम अच्छा कैसे खेलेंगे,
अगर हार गए तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आप बस कैरम एंजॉय कीजिए। टेंशन टेंशन में प्रेशर में नहीं खेलें, क्योंकि प्रेशर में खेलने की वजह से आप वैसे भी हारने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेशर में खेलने से आप जीतेंगे, नहीं, आपका हाथ कांपेगा, पैर कांपेगा, पूरी बॉडी हिलने लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे कि मैच से उठ के मैं भाग जाऊँ कहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेले, वर्ल्ड चैंपियन की तरह कैरम खेले, वर्ल्ड चैंपियन की तरह कैरम मिस ना करें, तो आप वर्ल्ड चैंपियन को देखें कि वो क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं। आपकी लाइफ में और भी सारी चीज़ें हैं जिसके जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड चैंपियन बड़ा है, बहुत अच्छा खेलता है और आप अच्छा नहीं खेलते हैं। आप भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप अलग वे में देखेंगे तो आप अच्छे हैं, आप अच्छा खेलते हैं, क्योंकि आप अलग चीज़ों में भी माहिर हैं। आप कैरम के साथ अलग चीज़ें भी करते हैं जिसमें आप माहिर हैं, आप अपने आप को उसमें अच्छा फील करते हैं। एक चीज़ में अगर आप उतने लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसकी वजह से आप अपने आप को छोटा मत समझें, क्योंकि अगर वर्ल्ड चैंपियन कैरम अच्छा खेल रहा है तो उसकी लाइफ में बस कैरम है। तो अगर आपको भी अच्छा खेलना है तो केवल कैरम को ही इम्पोर्टेंस देना होगा, बाकी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना होगा। आपकी लाइफ में पढ़ाई है, आपका बिजनेस है, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हैं और उसको आपको करना है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको भी उतना मेहनत करना पड़ेगा और आपको बस कैरम कैरम पे फोकस देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर लोग चैंपियन है, वो कैरम में वर्ल्ड चैंपियन है, आप किसी और चीज़ में चैंपियन है। जिसके लिए आपको तमगा या फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप उस बिना उस तमगे और सर्टिफिकेट के खुश हैं अपनी लाइफ में, कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपको उस तमगे और सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने लाइफ, आप अपनी फैमिली के हीरो हैं और आप अच्छा कर रहे हैं। तो सिंपल पीस, चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि सिंपल पीस कैसे खेलते हैं और क्या खेलते हैं। मेरा प्रैक्टिस, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं हूँ। मुझे अगर टेंशन होती है तो मैं खुद को बोलती हूँ कि काजल ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी और मैं बताऊँगी खुद को, सामने वाले को नहीं। मेरी कंपटीशन खुद से है, मुझे खुद से अच्छा करना है। तो चलिए देखते हैं, मैं अभी कोशिश करूंगी कि पूरे 19 कॉइन पॉकेट में डालूं, देखती क्या होता है। थोड़ा पाउडर ले लेते हैं। नहीं गया, कौन से पीस पॉकेट में जानी चाहिए भाई, इसको मार डाल देती हूँ। जाना चाहिए था, नहीं गया था। अभी देखते हैं कौन सा पीस जा रहा है हमसे, उसको देखते हैं। तो वैसे तो मुझे सब टफ लग रहा है, लेकिन पहले ये ट्राई करते हैं क्योंकि ये कनेक्शन है। मिस हो गया, कोई बात नहीं, पर उसे जाना चाहिए था। अभी ये मार के और थोड़ा सा इधर खोलने की कोशिश करूंगी। ब्लैक जा रही है, वो वाइट जा रही है, ये वाइट भी जा रही है, क्वीन और ब्लैक का कनेक्शन थोड़ा
टफ है, इसको बाद में देखेंगे। ये रिबाउंड तो चली जाएगी, पर पहले उसको ट्राई करते हैं। नहीं गई, कोई बात नहीं, इजी हो गई। इसको रिबाउंड मारेंगे, तो अगर इसको ऐसे मारेंगे तो उधर भी कॉइन्स खुलेंगी। क्वीन ये कनेक्शन ये मारते हैं पहले, यस वो चला गया उधर। शिट स्लो लग गया थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, ये और भी यूजी हो गई है। ये मारना चाहिए और थोड़ा सा ब्लैक को टच होना चाहिए ताकि वो भी ओपन हो। ठीक है, अभी तो ये मारेंगे, ये मारना होगा इसको मार के, और उधर कोई तो ब्लैक कॉइन पे, वो वाले ब्लैक कॉइन पे थोड़ा सा टच हो गया तो वो निकल के आएगा। कोई बात नहीं, निकल के तो आ गया है। अभी ये पॉकेट में डालना होगा और ये इसको मार के, और वो वाले ब्लैक को हाथ में लाना होगा। नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ देखें कि कॉइन्स, सिंपल कॉइन्स मिस होती हैं, बहुत होती हैं, सारे प्लेयर्स से होती हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि क्यों मिस हो रही है। इसके लिए हमें कोशिश करते रहने चाहिए और प्रैक्टिस जितना भी टाइम मिले हमें करना चाहिए, आधा घंटा एक घंटा कितना भी टाइम हो, 10 मिनट 5 मिनट कितना भी टाइम हो, अगर आप जितना भी टाइम हो आपके पास आप वो कैरम को दे रहे हैं तो आपके पीसेस भी कम मिस होंगी। और अगर मिस हो भी रही हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, कॉइन मिस हो रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए हम उदास तो नहीं हो जाएंगे ना। अगर एक कॉइन मिस होती है और हम उसके बारे में अगर सोचते हैं तो दूसरी कॉइन फिर से मिस होती है हमारी। अगर मैंने ये कॉइन मिस की, अगर मैं ये कॉइन मिस की तो इस दुख में ये भी कॉइन मिस होगा। तो जो कॉइन मिस हो गई है, जो चीज़ हो चुकी है उसको भूल जाएं वहीं पे और फिर आगे बढ़ें, इसको ट्राई करें। और उसके पहले आपसे हर कॉइन जा रही थी और आप हर कॉइन को अच्छी तरह से डाल रहे थे पॉकेट में, आप ऐसा सोच के खेलें। आप ऐसा सोचिए कि हमारी हर कॉइन जा रही है और हम हर कॉइन पॉकेट कर रहे हैं और जो भी कॉइन हमारे सामने आ रही है मैं वो डाल रही हूँ और डालूँगी, वो चाहे मारने के बाद मिस हो जाए, तो अगर वो मिस हो रही है तो उसको वहीं पे छोड़ दें कि चलो तुम्हारा चैप्टर क्लोज, अभी दूसरी कॉइन के बारे में सोचेंगे कि इस कॉइन को कैसे मारेंगे। इस कॉइन को मारना है, इस कॉइन को हम मारेंगे और हमारी कॉइन, हम अच्छा खेल रहे हैं, हमारी कॉइन जा रही है और हम इस कॉइन को ट्राई करेंगे, मारेंगे देखेंगे, नहीं गई तो फिर उसको वहीं पे क्लोज करेंगे। देखें देखें कि कितनी इजी हो गई है, यहाँ से वहाँ जाके पॉकेट पे बनी हुई है, तो वो सोचे कि चलो ठीक है इजी हो गई हमारी कॉइन। तो अगर हम ऐसा सोच के खेलेंगे तो आप कम कॉइन मिस करेंगे, आपकी कॉइन तो वैसे भी मिस हो रही है, एक बार ये भी ट्राई करके देख ले कि क्या पता कॉइन मिस होना कम हो जाए, और अगर मिस हो भी रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है,
जीतेंगे तो चैंपियन, नहीं जीतेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, खुद के लिए जीत तो रहे हैं। ट्राई किए, कोशिश किए, मैच में पार्टिसिपेट किए, वही बहुत बड़ी बात होती है। मैच में पार्टिसिपेट किए, एक अच्छे प्लेयर के साथ बैठे हैं, एक प्लेयर के साथ गेम खेले, एक सामने आमने सामने हमारी मैचेस हो रही हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें कैरम को, और मिस होने से टेंशन ना ले, टेंशन सामने वाले को दे, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो टेंशन आप मत ले, टेंशन दूसरे को दे, सामने वाले को दे। और टेंशन आप कैसे देंगे, मुझे भी ये सोचना पड़ेगा कि टेंशन देंगे कैसे। मेरी तो गेम चल नहीं रही है, सिंपल पीस मिस हो रही है। कितना भी सोचने की कोशिश करूं कि हमारी पीस मिस नहीं हो रही, लेकिन दिख तो रहा है कि हमारी पीस मिस हो रही है, तो उसको कैसे ठीक करें। कि अभी सोच लिए कि नहीं सब कॉइन जा रही है, पर दिख तो रहा है कि मिस हो रही है। भाई कहीं ना कहीं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं मिस हो रही है, तो क्या हुआ। अरे मिस हो रही है तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। इंजॉय करे कैरम को, खेले मस्ती में खेले, ताकि सामने वाला भी उठे और बोले कि क्या यार तुम तो डरती नहीं हो, मिस हो रही हो फिर भी इधर उधर मारे जा रहे हो, कोशिश करना ही नहीं छोड़ रहे हो। तो वो जीत होती है हमारे लिए कि हम लास्ट तक अड़े रहें और लास्ट तक हिम्मत ना हारे। तो ऑलवेज हैप्पी, और सिंपल पीस मिस हो तो उसका टेंशन ना लें, क्योंकि आप चैंपियन हैं, आप हीरो हैं, और लेडीज़ आप हीरोइन हैं। तो आप खेलें और अच्छा खेलें और इन्जॉय करें, टेंशन लेके ना करें, क्योंकि वैसे भी बहुत सारी टेंशन है इस दुनिया में। कैरम का टेंशन क्यों लेना है, इसको खेलना है, इसको सब लोग खेलते हैं, हम बच्चे से खेल रहे हैं इसको, तो इसको अच्छे से खेलें। थैंक यू।